लोकसभा चुनाव अब कुछ महीने की दूरी पर है। राहुल गांधी अमेरिका में हैं, मतलब साफ है कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा क्लब सक्रिय होने की तैयारी में है। ऐसे में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डर्सी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए भारत ने कंपनी पर दबाव बनाया। केंद्र सरकार ने इन आरोपों का करारा जवाब दिया। जैक डर्सी ने दावा किया कि भारत सरकार ने उनसे उन हैंडल्स को ब्लॉक करने को कहा था जो 2020-21 में चले किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने यहां तक दावा किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन पत्रकारों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। किसान आंदोलन के वक्त एक टूलकिट सामने आया था जिसको लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। लोकसभा चुनाव के पहले जैक डर्सी के आरोप का कनेक्शन साफ है। वजह बयान देने की टाइमिंग है। इसी वजह से जैक डर्सी के इस बयान के तुरंत बाद कांग्रेस से लेकर कपिल सिब्बल तक कूद फांद करने लगे। कपिल सिब्बल ने तो जैक डर्सी को सत्यवादी का खिताब तक दे डाला। जैक डर्सी ने कहा कि भारत से उनके पास किसान आंदोलन के दौरान कई निवेदन आए थे, खासकर उन पत्रकारों के लिए जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ इस तरह धमकी दी गई जैसे भारत में ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ट्विटर के लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। उन्होंने भारत को लोकतांत्रिक देश बताकर तंज कसा। जैक डर्सी ने कहा कि ट्विटर के अधिकारियों पर छापेमारी की धमकी दी गई और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस पार्टी जमकर जैक डर्सी के बयान को मुद्दा बना रही है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीवास तक सभी ने मोदी सरकार पर इस बयान को आधार बनाकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन दावों को झूठा बताते हुए स्पष्ट कर दिया कि ट्विटर की करतूतों का इतिहास छिपाने के लिए ये सब कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे जैक डर्सी के अंतर्गत ट्विटर और उसकी टीम ने बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि ट्विटर के किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारतीय कानून की कोई इज्जत हो ही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जहां संचालित होने वाली कंपनीज को यहां के नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2021 के किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी झूठी खबरें शेयर की गईं, जैसे नरसंहार की बात, ये सब झूठ था। भारत सरकार सजग थी क्योंकि इससे कोई बड़ी घटना हो सकती थी। जब अमेरिका में ऐसी घटनाएं हुई, जब जैक डर्सी के ट्विटर ने अपने आप भ्रामक सूचनाएं हटाई। कपिल सिब्बल ने कहा कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैक डर्सी ने ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये झूठ है। जैक डर्सी झूठ क्यों बोलेंगे? जैक डर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जैक डर्सी न बीजेपी के खिलाफ है न सरकार के खिलाफ। ट्विटर किसी के खिलाफ क्यों होगा? वो व्यापार कर रहे हैं। हाँ, दूसरों के लिए झूठ बोलने की कई जरूरी वजह हो सकती है क्योंकि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो उनके साथ वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ। कोई अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। सिब्बल ने आगे कहा कि ये बहुत गंभीर आरोप हैं। जब जैक डर्सी ट्विटर में थे तो उन्होंने देश की संप्रभुता को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये हमारी सरकार का कर्तव्य था कि ट्विटर अगर देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं कर रहा है तो उसे बंद करते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।